किरण एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइन पर। प्रभाग 34 के नगर सेवक कर रहे नजरअंदाज, अवनी की हत्या की राहुल गांधी ने भी की आलोचना। चुनाव के पहले अच्छी खबर, 62 नक्सलियों ने किया सरेंडर। अब खबरें विस्तार से। नागपुर को स्मार्ट सिटी कहते स्वच्छ शहर का तनखा मिलने के बाद भी आज शहर से कचरे की समस्या खत्म नहीं हुई। मानेवाड़ा रोड स्थित अवधूत नगर 1 और अवधूत नगर 2 के खाली प्लॉट में कचरे का ढेर पड़ा है। इन दीपावली पर यह अवधूत नगर के लोग कचरों की ढेर गंदगी से जूझ रहे हैं। इसी के कारण डेंगू से संबंधित लोग गुजर रहे हैं। पर प्रभाग 34 के नगर सेवक माधुरी प्रवीण ठाकरे, मंगला शशांक खेकरे, राजेंद्र वी सोमकुसरे और नागेश मानकर इस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। आम जनता इनके पास अपने समस्या जाकर बताती है, पर समस्या बढ़ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आम जनता क्या करे, बीमारी से गुजर रहे छोटे छोटे बच्चे की भी इन नगर सेवक को क्या चिंता नहीं है। गरीब लोग क्या करे, 10 चक्कर इनके ऑफिस में जाकर समस्या बताए। नागरिकों का कहना है कि नगर सेवक नागरिकों के ऊपर ध्यान नहीं देना अनिवार्य है। नगर सेवक नागरिकों की समस्या को अनदेखा कर रही है। यवतमाल वन क्षेत्र में शुक्रवार को आदमखोर वाघिन अवनी को वन विभाग द्वारा मारे जाने की घटना अब राजनीतिक रंग लेती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार की आलोचना की। चुनाव के पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अबुजमांड के 62 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने हथियार समेत सरेंडर किया है। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।